विपणन अवधारणा या विचारधारा या दर्शन द मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन अवधारणा का अर्थ समझने से पूर्व हमें अवधारणा शब्द का अर्थ समझना लेना चाहिए। अवधारणा किसी भी वस्तु कार्य व्यक्ति के संबंध में वह विचार धारणा आकृति है जो उस वस्तु कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बन जाती है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती है, यह अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है। विपणन कार्य के संबंध में भी प्रत्येक विपणन प्रबंधक, विपणन शास्त्री आदि के मस्तिष्क में कुछ धारणा या विचार अवश्य उत्पन्न होते हैं। यह वह विपणन कार्य को जिस रूप में देखता है, सोचता है, समझता है, वह उसी के संबंध में उसकी अवधारणा कही जा सकती है। विपणन अवधारणा विपणन प्रबंधकों, विपणन शास्त्रियों, विपणन विशेषज्ञों आदि का वह दर्शन या विचार है जो विपणन कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप को निर्धारित करता है तथा उसे समझने, स्पष्ट करने में सहायता करता है। विपणन अवधारणा इस शताब्दी के छठे दशक में लगभग विकसित होने लगी थी। ये अवधारणा ये मानती है कि विपणन कार्य उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं निर्धारण से प्रारंभ होता है तथा उनकी संतुष्टि के साथ ही संपन्न होता है। ये अवधारणा उपभोक्ताओं को व्यवसाय क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानती है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि विपणन अवधारणा में ग्राहक उपभोक्ता ही व्यवसाय क्रियाओं का आदि एवं अंत है। विपणन अवधारणा की अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है। पहली परिभाषा प्रोफेसर ऑर्थर पी फेल्टन के अनुसार, विपणन अवधारणा वह एक दर्शन है जो किसी व्यवसाय के संचालन में लागू किया जाता है जिसमें ग्राहक तथा उपभोक्ता की आवश्यकताएं सर्वोपरि होती है। ये आवश्यकताएं व्यवसाय के प्रत्येक कार्य के पृथक नियोजन का नियमन तो करती ही है, साथ ही संस्था के पूर्व निर्धारित लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण नियोजन का भी नियमन करती है। प्रोफेसर फिलिप कोटल के अनुसार, विपणन अवधारणा ग्राहक प्रदान दृष्टिकोण है जो एकीकृत या समृद्ध विपणन द्वारा पुष्ट या समर्थित होता है, जिसका लक्ष्य ग्राहक की संतुष्टि उत्पन्न करना है क्योंकि यह संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने की कुंजी है। प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन ने के अनुसार, विपणन अवधारणा व्यवसाय का एक दर्शन है जो ये कहता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि ही संस्था के अस्तित्व का आर्थिक सामाजिक औचित्य है। अतः कंपनी के सभी उत्पादन, इंजीनियरिंग, वित्त, विपणन आदि क्रियाएँ सर्वप्रथम ग्राहकों की आवश्यकताओं को ज्ञात करने तथा उनकी संतुष्टि करने के लिए की जानी चाहिए, परंतु साथ ही उचित लाभ भी कमाना चाहिए। रॉबर्ट हार्टल के अनुसार, विपणन अवधारणा उन विपणन क्रियाओं का एकीकरण या समीकरण है जो ग्राहक की संतुष्टि के लिए की जाती है। इस परिभाषा में ये बताया गया है कि ग्राहक की जो संतुष्टि है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि ग्राहक को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, उसके लिए कौन से उत्पाद या सेवाएं बनाई जाए ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सके। इन परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विपणन अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाने की आवश्यकता पर बल देती है। ये विचारधारा ये मानकर चलती है कि वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में ग्राहक बाजार का राजा या स्वामी है। कस्टमर इज ए किंग बॉस या और बॉस ऑफ मार्केट। अतः व्यवसाय को बाजार में टिके रहने के लिए उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करना ही होगा। किसकी? ग्राहक की, उपभोक्ता की। इस हेतु प्रत्येक व्यवसाय को ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों आदि को ज्ञात करना चाहिए तथा अपनी विपणन क्रियाओं के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इसी संतुष्टि के द्वारा उन्हें बाजार में निरंतर टिके रहकर लाभ कमाने का प्रयास करना चाहिए। निकट रूप से विपणन अवधारणा की संस्था का ग्राहक अभिमुखी या ग्राहक प्रधान दर्शन है जिसमें ग्राहकों की इच्छाओं की संतुष्टि तथा समस्याओं के समाधान को सर्वोपरि स्थान देते हुए संगठनात्मक कार्यों, लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। ये अवधारणा इस संस्था के सभी संसाधनों एवं प्रयासों को ग्राहकों की संतुष्टि हेतु समर्पित करते हुए संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति पर बल देती है। अब है विपणन अवधारणा की विशेषताएँ या मान्यताएँ या प्रकृति, करेक्टरिस्टिक्स, एजुमेशन एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं निम्नानुसार है जो इसकी प्रकृति को
भली प्रकार स्पष्ट कर देती है। पहली व्यापक दर्शन, विपणन अवधारणा एक व्यापक दर्शन है। विलियम जे स्टेंटन के अनुसार ये व्यवसाय करने का नवीन एवं व्यापक दर्शन है। इसमें विपणन कार्य को सभी व्यवसाय क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। दूसरा उपभोक्ता केंद्रित, विपणन अवधारणा ग्राहक उन्मुखी या ग्राहक प्रदान या उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा है। ये अवधारणा उपभोक्ताओं को विपणन कार्य का आदि अंत मानती है। इसलिए इस अवधारणा के प्रवर्तक ये कहते हैं कि ग्राहक स्वामी है या ग्राहक राजा है, कस्टमर इज बॉस या कस्टमर इज किंग। ये अवधारणा ग्राहक की संतुष्टि से ही लाभ कमाने पर बल देती है। विपणन अवधारणा कैसे काम करती है? जैसे विद्यमान एवं संभाव्य उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी करना, फिर इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करना, और फिर समन्वित विपणन प्रयासों से उत्पादों या सेवाओं का विपणन करना, फिर उपभोक्ता संतुष्टि और संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति यानी लक्ष्य लाभ की प्राप्ति। अब तीसरी विशेषता है, इसकी मान्यता है बहिर्मुखी अवधारणा। विपणन विचारधारा बहिर्मुखी अवधारणा है। ये अवधारणा संस्था के उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादों से प्रभावित नहीं है। ये अवधारणा बाजार घटकों तथा ग्राहकों की इच्छाओं या आवश्यकताओं पर केंद्रित अवधारणा है। चौथा विपणन अनुसंधान, विपणन विचारधारा विपणन अनुसंधान को महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कार्य मानती है। ये विचारधारा विपणन अनुसंधान से ग्राहकों एवं बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही अपनी व्यूहरचना निर्धारित करने पर बल देती है। ग्राहक की इच्छा या आवश्यकता के अनुसार उत्पादन, ये अवधारणा ये कहती है कि प्रत्येक संस्था को उत्पादों सेवाओं का उत्पादन ग्राहक की आवश्यकता एवं इच्छा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। स्टेंटन एवं उनके सहलेखक लिखते हैं कि संपूर्ण नियोजन एवं संचालन ग्राहक प्रदान होना चाहिए। ऑल प्लानिंग एंड ऑपरेशन शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। अतः प्रत्येक संस्था में उसके कर्मचारियों को ग्राहक की आवश्यकताओं पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहक संतुष्टि हेतु सभी कार्यों का समन्वय। विपणन विचारधारा ही कहती है कि सभी प्रबंध के विपणन कार्यों का समन्वय ग्राहक संतुष्टि के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। अपन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं उत्पाद नियोजन मूल्य निर्धारण वितरण एवं संवर्धनात्मक प्रयासों का समन्वय इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे ग्राहक की संतुष्टि में अभिवृद्धि की जा सके। नेक्स्ट संतुष्टि से लाभ, विपणन विचारधारा ये मानती है कि संस्था को ग्राहक संतुष्टि से ही लाभ कमाना चाहिए। ग्राहक प्रदान दृष्टिकोण ग्राहक की संतुष्टि से ही लाभ कमाने की बात कहता है। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति, ये विचारधारा ये भी कहती है कि संस्था को लाभ ही नहीं बल्कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी ग्राहक संतुष्टि के उपरांत ही करनी चाहिए। अधिक विक्रय से अधिक लाभ, ये विचारधारा प्रति इकाई अधिकाधिक लाभ के स्थान पर अधिक विक्रय से अधिक लाभ कमाने पर बल देती है। प्रणालीगत अवधारणा, विपणन अवधारणा की एक विशेषता यह है कि यह प्रणालीगत अवधारणा है, सिस्टम कंसेप्ट पर आधारित है। विपणन अवधारणा यह कहती है कि विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स में के चारों कार्य उत्पादन मूल्य निर्धारण वितरण तथा संवर्धन आदि की सामूहिक प्रसंस्करण प्रक्रिया में ग्राहकों की इच्छाओं या आवश्यकताओं तथा संस्था के लक्ष्यों का निवेश करना चाहिए तथा ग्राहक की संतुष्टि तथा संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के रूप में उत्पादन या परिणाम प्राप्त करना चाहिए। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं विपणन अवधारणा की प्रणाली का एक क्रम होता है कि पहले ग्राहक की इच्छाओं एवं आवश्यकताएँ तथा संस्था के लक्ष्य, फिर विपणन मिश्रण या विपणन कार्यों की प्रसरण प्रक्रिया, और फिर ग्राहक की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति यानी 4P है ना, उनका आधार पर संस्था को लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब है सामाजिक के विपणन अवधारणा, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन अवधारणा या ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा को कुछ वर्षों तक निर्विवाद मान्यता मिलती रही, किंतु इसके बाद लगभग 1980 के दशक में इस अवधारणा की आलोचना की जाने लगी। आलोचना मूल कारण यह था कि ये विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्व की अवधारणा को नकारती है। आलोचकों का तर्क था कि अवधारणा संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सहायक है, किंतु इस अवधारणा को अपनाने में की जाने वाली क्रियाएं सामाजिक हितों के विरुद्ध है। अतः विपणन शास्त्रों ने विपणन की नवीन अवधारणा सामाजिक विपणन अवधारणा का विकास किया। सामाजिक विपणन अवधारणा ये कहती है कि प्रत्येक संस्था को सर्वप्रथम अपने लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं इच्छाओं एवं हितों को निर्धारित करना चाहिए।
तत्पश्चात उसी ग्राहकों की उच्चतर श्रेणी की संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता तथा समाज का कल्याण हो तथा उसमें अभिवृद्धि हो। सामाजिक विपणन अवधारणा को समझने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विपणन अवधारणा विचारधारा शुद्ध विपणन विचारधारा या ग्राहक प्रदान विपणन विचारधारा पर एक सुधार है। प्रोफेसर कोर्लर तथा आर्मस्ट्रांग के अनुसार शुद्ध विपणन विचारधारा ग्राहकों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ध्यान देती है, किंतु ये ग्राहकों की दीर्घकालीन समृद्धि पर ध्यान नहीं देती है। और सामाजिक विपणन अवधारणा ग्राहक और समाज के दीर्घकालीन कल्याण को महत्व देती है। ये विचारधारा वर्तमान युग की अनेक समस्याओं पर ध्यान देती है। उदाहरण के रूप में विचारधारा पर्यावरण समस्या, संसाधनों की कमी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आर्थिक समस्याओं तथा सामाजिक सेवा समस्याओं आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहक और समाज के कल्याण को महत्व देती है। ये सामाजिक अवधारणा किस प्रकार कार्य करती है? जैसे पहला होता है, पहली प्रक्रिया में आता है लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं तथा हितों का निर्धारण करना। फिर दूसरा है शोध एवं विकास द्वारा उच्चतर संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करना। फिर तीसरा है उत्पादों या सेवाओं से लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की तथा हितों की पूर्ति करना। और फिर इनका करने बाद में तीन ओरिएंटल बनते हैं, उपभोक्ताओं की दीर्घकालीन संतुष्टि कल्याण, समाज का दीर्घकालीन कल्याण और संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति। इस प्रकार सामाजिक विपणन अवधारणा अपना कार्य करती है। संक्षेप में सामाजिक विपणन विचारधारा तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला, ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि और कल्याण। दूसरा, संस्था के लाभ। तीसरा, समाज का कल्याण। इन तीन चीज़ों पर सामाजिक विपणन अवधारणा ध्यान देकर अपना कार्य संपन्न करती है। अब है सामाजिक विपणन अवधारणा की विशेषताएं या मान्यताएं, करेक्टरिस्टिक्स या एजम्पशन ऑफ सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सामाजिक विपणन अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं मान्यताएं निम्नलिखित है। पहली है सामाजिक दायित्व की अवधारणा से प्रेरित। ये अवधारणा सामाजिक दायित्व की अवधारणा से प्रेरित है। ये अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणन कार्य को करते समय सामाजिक दायित्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी है त्रियामी अवधारणा। सामाजिक विपणन अवधारणा तीन बातों पर आधारित है। प्रथम, ग्राहकों की संतुष्टि और कल्याण। द्वितीय, संस्था के लाभ तथा तृतीय, समाज का कल्याण। ये अवधारणा इन तीनों के हितों के समन्वय पर बल देती है। नेक्स्ट, ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि। ये अवधारणा ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि पर बल देती है। ये विचारधारा ये मानती है कि आवश्यकता संतुष्टि से ही उपभोक्ताओं का कल्याण होता है। चौथा है समाज कल्याण। यह अवधारणा केवल ग्राहक के कल्याण पर ध्यान नहीं देती है बल्कि समाज के कल्याण पर भी ध्यान देती है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन लाभ। ये विचारधारा संस्था को दीर्घकाल में लाभ अर्जित करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट, समय दायित्व के निर्वाह में सहायक। ये विचारधारा व्यवसाय को समय दायित्व पूरे करने में सहायक होती है। विपणन अवधारणा के अन्य सभी लक्षण एवं मान्यताएं। ये अवधारणा विपणन अवधारणा की अन्य सभी मान्यताओं को आधारभूत मानती है तथा इसमें भी अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। संक्षेप में कुछ मान्यताएं लक्षण निम्नानुसार है। ये भी विपणन अनुसंधान पर आधारित है। ये संबंधित विपणन प्रयासों पर आधारित है। ये अवधारणा पूर्णतः प्रणाली अवधारणा पर आधारित है। अब है विपणन अवधारणा और सामाजिक विपणन अवधारणा में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। विपणन की इन दोनों विचारधाराओं में कुछ अंतर होते हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। पहला है, विपणन अवधारणा ग्राहक प्रधान अवधारणा है, जबकि सामाजिक की विपणन अवधारणा ग्राहक एवं समाज प्रधान अवधारणा है। दूसरा, विपणन अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिक आवश्यकता मानती है, जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा ग्राहकों समाज तथा दोनों के कल्याण को प्राथमिकता देती है, यानी ग्राहक और समाज दोनों पर ध्यान देती है। तीसरा, विपणन अवधारणा ग्राहकों को तात्कालिक संतुष्टि प्रदान करने को महत्व देती है, जबकि सामाजिक की विपणन अवधारणा ग्राहकों की दीर्घकालीन संतुष्टि पर बल देती है। नेक्स्ट, विपणन अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि से लाभ कमाने पर बल देती है, जबकि सामाजिक अवधारणा ग्राहकों की संतुष्टि उपभोक्ताओं और समाज के कल्याण से लाभ कमाने पर बल देती है। नेक्स्ट, विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्व की पूर्ति पर ध्यान नहीं देती है,
जबकि सामाजिक विपणन अवधारणा सामाजिक दायित्व की पूर्ति पर ध्यान देती है। इस प्रकार विपणन अवधारणा से सामाजिक विपणन अवधारणा ज़्यादा व्यापक है और वर्तमान में इस अवधारणा के आधार पर ही व्यवसायी या उत्पादकों द्वारा उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है, जिससे संस्था और समाज और ग्राहक को लाभ हो और संस्था का अस्तित्व बना रहे। धन्यवाद।